समाजवादी पार्टी तक ने उनके खिलाफ जमकर मोर्चा खोला, लेकिन पब्लिक मोदी के बारे में इन सब से अलग बात कह रही थी। अरविंद केजरीवाल सुबह से ही बनारस का मूड भांप रहे थे। उन्हें सड़कों पर जमे लोगों को देखकर ये एहसास हो गया कि मोदी के नामांकन में उमड़ने वाले रोड शो से उनकी तुलना में उनके रोड शो को लोग भूल जाएंगे, इसीलिए उन्होंने नया शगुफा छेड़ दिया। देखिए, ये जनतंत्र थोड़ी है कि एक व्यक्ति के लिए आप सारे बनारस को बंद कर देंगे। जनतंत्र तो वो है जब जनता साथ जुड़े जनतंत्र के अंदर। ये तो राजाओं महाराजाओं की, एक राजा आ रहे हैं बाहर से और उस राजा के लिए पूरा बनारस जो है वो बंद है और पूरा बनारस जो है उसको इनकन्वीनियंस कर दिया गया। केजरीवाल अपने आरोपों के साथ जनता का हवाला दे रहे हैं, इसलिए हमने पब्लिक की राय जानने की कोशिश की। हम लोग काम रोज करते हैं, आज मोदी को देखने के लिए हम लोग रोज डेली काम होता है। काम हमको जो करना था हमने काम पूरा निपटा करके तब आज मोदी के समर्थन में और यहाँ पर चले आए हैं। 49 डेज में जो छोड़ के भाग गए उससे उनका ग्राफ काफी नीचे गया है। मोदी की रैली को लेकर विरोधियों में खलबली मची थी, इसलिए मोदी के जाते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू के सामने मालवीय जी की प्रतिमा को गंगा जल से साफ किया। कहा, मोदी का हाथ लगने के बाद ऐसा करना जरूरी था। 56 इंच का सीना है, सवाल सीने का नहीं, सवाल दिल कितना बड़ा है। देश वही चला सकता है जिसका दिल बड़ा हो। विरोधी जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, लेकिन मोदी को लेकर वाराणसी के लोग क्या सोच रहे हैं अब ये सुनिए। बहुत से नामांकन देखे और वो देखा, आज तक अपने जीवन में इतना बड़ा जनसैलाब मैंने नहीं देखा था। सारा प्रबंध धरा का धरा रह गया, क्योंकि पहली बार इतिहास में दिखा गया कि पूरा वाराणसी शहर में था। ये डिफरेंट चुनाव है, लोगों को लगता है मोदी जी आएंगे तो हमारे शहर का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। सफाई से राकेश कुमार सिंह और वाराणसी से शीतल राजपूत के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज।